Good communication, Dev classes. Confident personality, Dev classes. Overall personality development के लिए join कीजिए Dev Spoken English. New Civic Center, Bhilai. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट. दिस इज देवतीर साहू. आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर. दोस्तों, एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जो खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस लेवल पे वो अपना ग्रामर सीखना चाहते हैं या अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से सुधारना चाहते हैं, तो ये सीरीज उनके लिए लाभकारी होगा. और इससे रिलेटेड मैंने पहला वीडियो डाल दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे जरूर देखिए. मेरे सर के ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस आई बटन को क्लिक कीजिए और उसे देखिए. ये वीडियो मैंने डाला तो काफी अच्छा प्रतिसाद हुआ और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि इसका अगला वीडियो आए. तो आज मैं इसका अगला वीडियो बना रहा हूं. और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज, साउंड, अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक जानकारी दिया और हल्का सा मैंने नाउन को थोड़ा सा डिफाइन किया. आज हम नाउन को कट तो आज हम नाउन को अच्छे से डिफाइन करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे. तो दोस्तों, नाउन की बातें हो रही है और नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसा कि देखिए, मैंने टाइटल भी डाल के रखा हुआ है, नाउन देयर काइंड्स, ठीक है? वैसे तो नाउन को अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में उसको डिफाइन किया हुआ है, उनके अलग अलग काइंड्स बताया गया है. पर्सनली अगर मेरा अगर कहना हो तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड करके रखे हुए हैं. तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. तो पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है? तो मैंने लिखा पहला नाउन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, क्लियर? तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? चौथा आपका आता है मटेरियल नाउन, इसको क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा. और पांचवा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा. तो दोस्तों, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन जिसके बारे में हम आज थॉरली स्टडी करेंगे. तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन 5 को हम अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है, इसको थोड़ा सा स्टडी अच्छे से हम कर लें. इधर मैं लिख देता हूं कॉमन और इधर लिख देता हूं मैं प्रॉपर नाउन, ठीक है? दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर भी बैठें और नोट्स भी बनाना शुरू करें क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको कोई एक किताब में तो मिलेगा नहीं. तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक? तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, पुराने वीडियो में मैंने बताया कि नाउन क्या होता है, ठीक है? 5 इंद्रियां हमारे शरीर में होती है, आंख, नाक, कान, जबान और त्वचा. आंखों से जो हम चीजों को देख सकते हैं नाउन कहलाता है, कानों से जो सुन सकते हैं नाउन कहलाता है, जबान से जो चख सकते हैं नाउन कहलाता है, नाक से जो सूंघ सकते हैं नाउन कहलाता है, और जिसको हम फील कर सकते हैं त्वचा के माध्यम से, दिल या दिमाग के माध्यम से, सबका सब नाउन कहलाता है, ठीक? अब इन नाउन को हम कैटेगराइज किए हुए हैं, 5 भागों में इसको बांटा गया है. तो प्रॉपर और कॉमन नाउन को समझते हैं, ठीक है? तो एक घटना के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं, प्रॉपर और कॉमन नाउन कैसे अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं.
बचपन की बात है, बचपन में मैं छोटा था। अच्छा, बचपन में तो सभी छोटे होते हैं। तो मम्मी एक दिन मेरे छोटे भाई की अच्छे से कुटाई कर रही थी और मैं बड़ा खुश था, क्योंकि हम लोग तीन भाई और मैं मंझला सेकंड वाला। और देखना, मंझले की पिटाई सबसे ज़्यादा होती, तो मेरी पिटाई बहुत होती थी। छोटा भाई थोड़ा लाडला था, उसकी पिटाई कम होती थी। तो उसने क्या किया, किताब को फाड़ दिया और मम्मी को पता चल गया, उसने जम के कुटाई की। अब हाथ से पिटाई कर रही थी तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो मेरे को चिल्ला के बोली, जूता ला के दे जल्दी से, आज इसको अच्छे से कूटना है। तो उन्होंने, मम्मी ने कहा, जूता ला के दो। तो मैंने कहा, कौन सा जूता, बाटा का जूता दूं या लखानी का? तो मम्मी चिल्ला के बोली, अरे जो मिलता दे, इसकी तो आज अच्छे से कुटाई करना है। तो मेरे को जो हाथ में लगा मैंने दिया, भाई का अच्छे से कुटाई हुई। उसके बाद बेचारा जो है साइकिल खड़े खड़े चल रहा है। तो मम्मी ने क्या मांगा, तो मम्मी ने मांगा शूज। शूज मतलब कोई भी शूज, ठीक है ना, कोई भी शूज। तो ये हो गया कॉमन, कॉमन कोई भी शूज की बात हो रही थी। लेकिन मैंने क्या बोल दिया, कोई पर्टिकुलर, कोई प्रॉपर शूज के बारे में बोल दिया, बाटा का शूज या लखानी का शूज, ठीक है। तो जब हम कोई भी कॉमन की बात करते हैं, कोई भी वस्तु जो कॉमनली है, तो शूज कॉमन होता है। लेकिन शूज में आप वैरायटी देते हो, किसी पर्टिकुलर शूज का नाम आप बताते हो। तो जैसे आप जानते हो बाटा एक पर्टिकुलर शूज का नाम है, लखानी जो है एक पर्टिकुलर शूज का नाम है, एडिडास जो है पर्टिकुलर शूज का नाम है। तो जो पर्टिकुलर आप कर देते हो वो प्रॉपर कहलाता है, ठीक है। और शूज, शूज एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कोई भी शूज की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप क्या खरीदने के लिए जाते हैं, पेन खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो भैया आप बोलते हो पेन दे दो, तो बोलता है यार कौन सा पेन दे दूं, पेन मांग रहे हो, पेन तो कुछ भी हो सकता है। तो पेन कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कॉमन नाउन हो गया। अब वो पेन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता है, कुछ नाम बताता है। तो बोलता भैया रोटोमैक्स दे दूं, स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम, ठीक है, या रेनॉल्ड का दे दूं या पार्कर का दे दूं। तो पेन कुछ भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी पेन का नाम बोल देते हैं, जैसे कि रोटोमैक्स हो गया, रेनॉल्ड हो गया, पार्कर हो गया, जिलेट हो गया, जिलेट का पेन आता है क्या, होता होगा। तो आप पर्टिकुलर किसी पेन का नाम बोल देते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक। अब मैं किसी लड़के से पूछा, भाई कहाँ रहते हो, तो उसने बोला सर विलेज में रहता हूँ। तो मैं बोला भाई विलेज तो बहुत सारे हैं, कौन सा विलेज? तो वो बोलता है भैया मैं रामपुर में रहता हूँ, ठीक है। तो रामपुर क्या है, एक प्रकार से गांव का नाम है। तो जो गांव शब्द है वो विलेज शब्द है, वो कॉमन हो गया, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर गांव का नाम आप बोलते, किसी प्रॉपर गांव का आप नाम बोलते हो, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप बोलते हो कि कहाँ रहते हैं, मैं शहर में रहता हूँ, सिटी। तो बोले सिटी तो बहुत सारे, कौन से सिटी, भोपाल या भिलाई या पटना, समझ में आ रहा है। तो कॉमन शूज कोई भी हो सकता है, पेन कोई भी हो सकता है, विलेज कोई भी हो सकता है आपका, सिटी कोई भी हो सकता है। किसी बच्चे से पूछूं तो बोलता है सर मैं तो स्कूल में पढ़ता हूं, तो स्कूल कॉमन हो गया। अरे कौन सा स्कूल में पढ़ता है, या डीपीएस में पढ़ता हूं, या दूसरा बोलता है केपीएस में या एमजीएम में, ठीक, या सरस्वती शिशु मंदिर। तो जब आप पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम बोलते हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन स्कूल कोई भी हो सकता है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन जो अपने आप में अनेक वैरायटी लेकर बैठा हुआ होता है, और कॉमन में किसी पर्टिकुलर को आप बताओगे वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा और मैं आपको डिफाइन करता हूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्लियर होगा ये। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, समझना इसको। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे आपको सारे प्रकार के जो नाउन है वो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज अ बॉय, ठीक। तो ये जो बॉय है और जो राम है, ये दोनों नाउन है, ठीक। लड़का लड़के को आप देख सकते हो, नाउन हो गया,
ठीक है। राम एक व्यक्ति का नाम है, ये भी नाउन हो गया, लेकिन बॉय तो कोई भी हो सकता है ना, तो ये हो गया आपका कॉमन। लेकिन आप तो पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हो और उसका नाम क्या है, राम, तो ये आपका हो गया प्रॉपर। समझ में आ रहा है? तो बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी बॉय की आप बात कर रहे हो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, द गंगा इज अ रिवर, ठीक। तो नदी कोई भी नदी हो सकता है, नदी मतलब रिवर मतलब कोई भी नदी, तो ये आपका हो गया कॉमन, ठीक। लेकिन आप तो पर्टिकुलर एक नदी को नाम देके रखे और उसकी आप बात कर रहे हो गंगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर। क्लियर? तो ये और प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में मैं आपको बताया। अब मैं तीसरे नाउन के बारे में बता रहा हूं, कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, टीम, ठीक है, क्लास, फैमिली, आर्मी, ठीक है। अब आप देखिए, टीम, टीम शब्द एक नाउन है, लेकिन टीम बनता किससे है? नंबर ऑफ प्लेयर्स है। खूब सारे प्लेयर्स को आप लेकर आते हो, है ना, और उनका समूह बनाते हो और उसको एक समूह को नाम दे देते हो, टीम। तो टीम जो है कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। उसी तरह से आपने लिखा क्लास, क्लास क्या है? कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स। खूब सारे स्टूडेंट को बैठाते हो, उनको कलेक्ट करते हो और कलेक्ट करने के बाद एक नाम दे देते हो, क्लास, ठीक। फैमिली, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बहुत सारे सदस्यों को आप बुलाते हैं, है ना, और उनको आप नाम देते हो फैमिली। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर, उनके समूह को आप आर्मी कहते हैं। असेंबली, ठीक है, काफी सारे जो गणमान्य व्यक्ति है उनके समूह को आप असेंबली कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, काफी सारे कलेक्शंस, उनको जोड़ते हो, मिलाते हो और एक नाम दे देते हो, कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जूरी, अ बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है ना, बहुत सारे जजेस की एक बॉडी बनती है जिसको जूरी कहा जाता है, तो ये भी कलेक्टिव आपका नाउन है। वोकैबुलरी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स एक मीनिंगफुल शब्द वर्ड्स कहलाते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसका जो कलेक्शन होता है ये वोकैबुलरी कहलाता है। फ्लीट, नंबर ऑफ शिप्स, तो बहुत सारे शिप्स जो होती है उसको हम फ्लीट कहते हैं। गैंग, गैंग के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। कैटल, तो मवेशी का जो समूह होता है, जानवरों का जो समूह होता है उसे हम कैटल कहते हैं। तो जूरी, वोकैबुलरी, फ्लीट, गैंग, कैटल, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्शन से, किसी कलेक्शन से ये लोग बने हुए हैं। क्लियर है? तो अब हम अगला नाउन देखने जा रहे हैं, मटेरियल नाउन। चलिए समझते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, चौथे नाउन के बारे में बात करते हैं, मटेरियल नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है या जिसे खाया जा सकता है, ठीक है ना। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, खा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, तो वाटर को आप पी सकते हैं, इसलिए ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। दूसरा, आई लाइक गोल्ड, ठीक, या आई लाइक सिल्वर, तो ये सब पदार्थवाचक नाउन है, पदार्थ है ये, इसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ठीक। उसी तरह से आपके और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, कॉफी हो सकता है, टी हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब पदार्थवाचक नाउन है, ये टीन भी आ सकता है, ठीक। तो जिसको आप खा सकते हो, जिसको आप पी सकते हो, जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप
तौल सकते हो, ये सब आपका मटेरियल नाउन है। और याद रखना, इसका सिंगुलर प्लूरल वाला झंझट नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं बनता। तो गोल्ड्स, वाटर्स, सिल्वर्स, इस तरह से आप नहीं बना सकते हैं। खैर, इसके बारे में तो मैं आगे और जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे लास्ट कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बताया था? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो जिसको आप फील कर सकते हो, भावनाओं से संबंधित है, जिसको आप फील कर सकते हो, दिल से, दिमाग से छू के महसूस कर सकते हो, ये सब का सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसे आई एम फीलिंग थर्स्ट, मैं प्यास महसूस कर रहा हूं, या फिर आई एम फीलिंग हंगर, ठीक। तो थर्स्ट को फील कर सकते हो, हंगर को फील कर सकते हो, लव को फील कर सकते हो, हेट को फील कर सकते हो, ठीक, ऑनेस्टी को फील कर सकते हो, नहीं फील कर सकते, ईमानदारी, तो हम फील कर रहे हैं यार उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर ब्रेवरी है, ठीक है ना, या उसके अंदर लव है, उसके अंदर तो घृणा भरा हुआ है, हेट भरा हुआ है, या मैं भूख को महसूस कर रहा हूँ, हंगर को महसूस कर रहा हूँ, या मैं एंगर देख पा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है ना, तो एंगर, ठीक, जेलेसी, ठीक, लव, ठीक, थर्स्ट, तो ये सब चीज को आप फील करते हैं। तो जिसको आप फील करते हो दिल से, दिमाग से, हाथ से छू के, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये पांचों नाउन को कैसे अच्छे से याद किया जाए, मैं एक अच्छा बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फिर से रिवाइज करा दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन नाउन, तो कॉमन कोई भी हो, चाहे वो शूज हो, बॉय हो, मैन हो, गर्ल हो, गॉड हो, तो इसके कोई भी प्रकार हो सकता है, ये कॉमन है, मतलब विलेज, कोई कॉमन विलेज, सिटी कॉमन, ठीक है। तो उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन देखा, कलेक्शन ऑफ समथिंग, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फिर हमने देखा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट देखा। इन पांचों को कैसे याद किया जाए, इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। तो दोस्तों, पांचों नाउन को हम कैसे याद रखें, भगवान गणेश के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मुझे ड्राइंग अच्छा बनाने नहीं आता है। तो भगवान गणेश का मैंने बनाने का प्रयास किया जिंदगी में पहली बार, मैंने गूगल से डाउनलोड किया था और उसको स्केच को उकेरा, मेरे को 15 मिनट लग गए, ठीक। तो सबसे पहले तो माफी, मुझे बहुत अच्छा स्केच बनाने नहीं आता, बट ठीक है, एजुकेशन में चलता है। तो किसी से पूछे ये कौन सा भगवान है, इस भगवान का नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, श्री गणेशा। तो आपने पर्टिकुलर एक नाम बताया, ठीक है, तो पर्टिकुलर आपने नाम बताया, मतलब ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्लियर है। तो जब आप किसी का पर्टिकुलर नाम बताते हो, किसी मतलब एक हो गया ना, भगवान गणेश एक ही है, तो ये प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर हो गया। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार के गॉड है, ठीक है। जैसे किसी से पूछे कि भाई तुम भगवान विश्वास करते हो, मतलब हाँ भगवान विश्वास करते हैं, लेकिन कौन सा भगवान। तो जब हम किसी से पूछते हैं कौन सा, मतलब ये कॉमन हो गया। तो गॉड जो शब्द है ये नाउन तो है, लेकिन कौन सा, कॉमन, क्योंकि कोई भी भगवान हो सकता है, भगवान शिव जी भी हो सकते हैं, पार्वती भी हो सकते हैं, विष्णु जी भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गॉड जब आप शब्द यूज करते हो, क्योंकि एक प्रकार के गॉड है, तो गॉड कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि गॉड और भी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आप जब नाम बता देते हो कि भाई इस गॉड का नाम श्री गणेशा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक। अब बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी एक बॉडी है, ठीक। अब बॉडी में आपके इनके हाथ, पैर, नाक, कान, सूंड, सब कुछ है। तो बॉडी क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो आपने बहुत सारे चीजों को कलेक्ट करके बॉडी तैयार किया, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो जब हम बोलते हैं भगवान गणेश जी का एक बॉडी है, और बॉडी क्या है, बॉडी कलेक्शंस ऑफ मेनी पार्ट्स,
क्योंकि हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, तो इन पार्ट्स को जोड़ के आपने एक नाम दिया, कलेक्ट करके नाम दिया, इसलिए बॉडी जो शब्द है वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो आपका प्रॉपर नाउन आ गया, कॉमन नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। ठीक, तो दोस्तों अब हम किसी के भी शरीर के बारे में बात करते हैं, या मैं अपने शरीर के बारे में बात करूं या भगवान के शरीर में बात करूं, तो कहीं ना कहीं वाटर तो होगा ही, ठीक है, आयरन है ना, बहुत सारे जब हम वेजिटेबल खाते हैं तो उससे हमको आयरन मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। ठीक, तो ये जो वाटर है, मैग्नीशियम है अंदर, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आप मटेरियल नाउन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है कई मटेरियल से मिलकर बना है, वाटर है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह। ठीक, अब भगवान है तो इनकी कई भावनाएं हैं, कई बार हमको प्यार जताते हैं, लव, कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं। ठीक, एक बार तो भगवान शिव जी के साथ भिड़ गए थे, उसी के चक्कर में इनका सर कट गया, बड़ी लंबी कहानी है। तो गुस्सा भी हुए, वो उनके अंदर भावना आया गुस्से का, तो एंगर, कई बार किसी से नफरत, हेट, जैसे राक्षसों को देखे तो उनको नफरत हुआ, हेट। ठीक, और अपने भक्तों को देखते हैं तो उनके मन में भावना आता है प्यार का, तो लव, हेट, एंगर। और ये किस प्रकार के आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। तो जब भी आपको नाउन के बारे में याद रखना है तो भगवान, आप गणेश के बारे में याद रखें तो भगवान गणेश, तो गणेश जो शब्द है वो पर्टिकुलर एक भगवान का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, और गॉड जो शब्द, एक प्रकार के गॉड है, तो गॉड कई प्रकार के हो सकते हैं, तो गॉड कॉमन हो गया। ठीक, ये इनका एक बॉडी है और बॉडी बहुत सारे पार्ट से बनकर बनता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन कहलाएगा बॉडी शब्द। ठीक है, और शरीर में आप देखिए ये सारे मटेरियल्स होते हैं, इसलिए मटेरियल नाउन। और भगवान के अंदर कई भावनाएं आते हैं, ठीक, लव, हेट, एंगर, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक, तो ये पांच प्रकार के नाउन मैंने आपको पढ़ाया, होप सो मजा आया होगा, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। और मेरे अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है बॉस, लोगों के साथ शेयर कर दो ना, व्हाट्सअप उठाओ और सारे ग्रुप में, या ब्रॉडकास्ट बनाया उसके साथ शेयर कर लो, इंस्टा में शेयर कर लो, फेसबुक में शेयर कर लो। और नए सब्सक्राइबर हो तो भाई वो देखिए लाल बटन होगा उसको दबा दो ना, सब्सक्राइब का बटन, ठीक है, और पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।